दोस्तों ये है बोर्ड बेस 242 एंड ये है बोर्ड बेस 225 या फिर 220, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं इस ईयरफोन को लगभग लास्ट 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं लगभग लास्ट 15 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप इन दोनों ईयरफोन में से कन्फ्यूज़ है कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा है सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी के मामले में, कॉल क्वालिटी के मामले में, ड्यूरेबिलिटी के मामले में या फिर बाकी सारा कंडीशन में, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहे। मैं आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ईयरफोन में से कौन सा है सबसे बेस्ट जो कि आप खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मेरा नाम है विधान एंड आप देख रहे हैं इनसाइड टेक्स्ट्रा। तो चलिए वन बाय वन सभी रिलीज करने बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन के बारे में। अगर सबसे पहले बात करूं बोट पे से 220 या फिर 225 के बारे में, तो इसका जो ईयर प्लग का डिजाइन है ये आपको सीधा सेप में मिलता है, कोई भी आपको टिल्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। एंड इसका ईयर प्लग पूरा मेटल से बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्लास्टिक का डिजाइन देखने को नहीं मिलता है एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, आपको एक ही बटन मिलता है, कोई भी आपको प्लस माइनस का बटन यहाँ पे नहीं दिया गया। एंड उसके नीचे जो डिवाइडर है यहाँ पे भी आपको एक मेटल का कोटिंग मिल जाता है, यहाँ पे बोट का लोगो भी लगा हुआ है। एंड अगर बात करूँ वायर के क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको फ्लैट टाइप का डिजाइन का वायर देखने को मिलता है जिसका क्वालिटी काफी अच्छा है एंड काफी स्ट्रॉन्ग भी है। एंड ऊपर के साइड में भी जो वायर दिया गया है उसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है एंड बिल्कुल भी पतला नहीं है। एंड इसका 3.5 इंच का जो कनेक्टर है ये आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है एंड ये एल शेप के डिजाइन के साथ आता है, तो काफी अच्छा चीज है। एंड साथ में सामने के साइड पे यहां पे आपको मेटल का कोटिंग मिल जाता है। और वहीं पे अगर बात करूं बोट बेस 242 के बारे में, तो इसका जो एयर प्लग का डिजाइन है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है एंड बहुत ज्यादा स्पोर्टी सा आपको लुक दिलवाता है। एंड यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो सामने का जगह है ये 45 डिग्री एंगल में टिल्ट मिल जाता है, तो आपके कान में बहुत ही इजीली फिट हो जाता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे जो एयर हुक दिया गया उसके कारण फिटिंग और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा एयर प्लग के साइड में आपको बोट का लोगो भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 इनलाइन बटन वाला माइक देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है अलग से एंड साथ में आपको कॉल रिसीव करने का या फिर कॉल एंड करने का बटन भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे डिवाइडर जो मिलता है ये आपको प्लास्टिक का बना हुआ मिल जाता है। और अगर बात करो वायर के क्वालिटी के बारे में, तो नीचे के साइड पे जो वायर आपको देखने को मिलता है ये आपको काफी अच्छा मिल जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग सा मिलता है एंड यहाँ पे आपको राउंड शेप में देखने को मिलता है। लेकिन ऊपर के साइड में जो वायर का यूज किया गया ये बहुत ही पतला देखने को मिलता है, सो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगा। इसके अलावा इसका कनेक्टर आपको आई शेप में मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी गोल्ड प्लेटेड देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली 225 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल का डिजाइन मिलता है एंड साथ में इसका वायर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा मिलता है एंड एल शेप के डिजाइन के साथ आता है। लेकिन डिजाइन का मामले मुझे 242 ज़्यादा बेटर लगा। इसका एयर प्लग का फिटिंग काफ़ी अच्छा मिलता है एंड आपके कान से एक बार भी गिरता नहीं है, जबकि 225 में मेटल होने की वजह से एयर प्लग काफ़ी हैवी है इसलिए आपके कान से बार बार गिर जाता है। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसके अलावा 242 में आपको जो 3 बटन मिलता है वो बहुत ज़्यादा हैंडफुल रहता है साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए। तो डिजाइन के मामले में डेफिनेटली 242 ज़्यादा बेटर है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में डेफिनेटली 225 ज्यादा बेटर है। अगर बात करूं वेट के बारे में, तो बोट बेस 242 आपको मिलता है 20 ग्राम का और बोट बेस 225 आपको मिलता है 18 ग्राम का। एंड अगर बात करूं लेंथ के बारे में, तो दोनों ही ईयरफोन आपको 1.25 मीटर का मिलता है, तो यहाँ पे सेम ही आपको लेंथ देखने को मिलता है। ये आई शेप का है इसलिए ये सीधा निकल गया है एंड ये एल शेप का है इसलिए ये थोड़ा सा घूम गया है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन के कॉल क्वालिटी के बारे में। अगर सबसे पहले बात करो बोट बेस 220 या फिर 225 के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप आपके कान में इसको लगाते हैं तो आपको जो माइक मिलता है वो आपके मुंह के सामने ही मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब आप लंबे समय तक फोन में बात करेंगे। लेकिन मेरे इस यूनिट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेने के कुछ दिन बाद ही इसका जो माइक है वो खराब हो गया था। एंड यहाँ पे आपको एक ही बटन मिलता है, तो आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप बोट बेस 242 को भी आपके कान में लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो माइक वो आपके मुंह के सामने ही मिल जाता है, तो यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसका एक एडवांटेज है कि यहां पे आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है, तो अगर आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ फोन में बात करो और कभी आपको जोर से कुछ सुनना है या फिर आपको धीरे से भी कुछ सुनना है, तो आप इसके थ्रू बहुत ही इजीली आप साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको फोन को पॉकेट से निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कौन सा लेके आप गर्लफ्रेंड से अच्छे से बात कर सकते हैं, तो इस ईयरफोन के साथ अगर आप छुप छुप के बात करना चाहते हैं आपके गर्लफ्रेंड से या फिर आपके बॉयफ्रेंड से, आपके मम्मी पापा साइड में सोए हुए हैं, तो आप इसके साथ बहुत ही इजीली बात कर पाएंगे। माइक क्वालिटी काफी अच्छा है। बोट बेस 242 में आपको IPX4 का रेटिंग मिलता है, तो हल्का अगर पानी लग जाता है या फिर आप जिम में जाते हैं तो स्वेट लगता है, तो इस ईयरफोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 225 में इस तरह का आपको कोई भी रेटिंग देखने को नहीं मिलता है। एंड इस ईयरफोन के बॉक्स के अंदर अलग से आपको एक कैरी पाउच भी देखने को मिलता है, तो अगर आप कहीं पर ईयरफोन को कैरी करना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। एंड बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा 2 पेयर एयर टिप्स भी देखने को मिलता है। ये ईयरफोन आपको 6 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिलता है, तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप उस कलर के हिसाब से खरीद सकते हैं। ये कलर मुझे काफी अच्छा लगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।
सकते हैं, इसका प्राइस है 499 रुपीज। बोट बे से 220 या फिर 225 में आपको 5 पेयर एक्स्ट्रा एयर टिप्स एंड साथ में एयर हुक्स भी दिया गया है। एंड बोट बे से 220 या फिर 225 इसमें भी आपको 5 अलग अलग कलर ऑप्शन देखने को मिलता है एंड इसका नॉर्मल प्राइस है 549 रुपीज। आपको ऑफर में 499 रुपीज में ये मिल जाएगा, तो सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करूं कंफर्ट के बारे में कि कौन सा ईयरफोन आप लंबे समय तक यूज कर पाएंगे, तो जब आप बोट बे से 242 को पहले यूज करेंगे तो आपको थोड़ा बल्कि जैसा लगेगा, लेकिन जब आप कुछ दिन यूज कर लेंगे इसके साथ यूज टू हो जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। एंड अगर आप चाहे तो इसके एयर हुक्स को आप खोल के यूज कर सकते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा और बहुत ही कंफर्टेबली आप इसको यूज कर पाएंगे एंड लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। मैं अगर 3-4 घंटा इसको कंटिन्यूअसली यूज करता हूं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता है एंड एक बार भी आपके कान से ये गिरता नहीं है, ये मुझे चीज काफी अच्छा लगा। लेकिन अगर बात करूं बोट बे से 225 के बारे में, तो यहाँ पे इसका जो फिटिंग है ये मुझे काफी खराब लगा एंड आपके कान से ये बार बार गिरने लगता है। इसमें बहुत सारा एयर टिप्स तो आपको देखने को मिलता है लेकिन किसी का भी क्वालिटी आपको अच्छा नहीं मिलता है, इसके कारण आपके कान में ये वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाता है एंड आपके कान से ये बार बार गिरने लगता है, तो ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो उसके हिसाब से कंफर्टेबल मैं बताऊंगा बोट बेसे 242 को। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में कि किसका साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा साउंड सुनाना चाहूंगा। दोनों ही ईयरफोन में आपको 10mm का ही ड्राइवर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों म्यूजिक को प्ले करते हैं, देखते हैं किसका साउंड क्वालिटी ज़्यादा लाउड है। तो यहाँ से भी मैं क्लियरली सुन पा रहा हूँ, साउंड बहुत ज़्यादा बाहर भी निकल के आ रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं बोट बे से 220 या फिर 225 का साउंड कितना ज़्यादा लाउड है। तो इन दोनों में से किसका साउंड ज़्यादा लाउड लगा आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोनों ही ईयरफोन का साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर डिटेल्स के बारे में आपसे बात करूं तो बोट बे से 242 में आपको बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन मिड्स एंड हाइस थोड़ा सा आपको एवरेज देखने को मिलता है एंड ट्रेबल आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, साथ में जो वोकल्स है वो भी आपको उतना क्लियर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक ही ईयरफोन को यूज़ करते हैं तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। एंड वहीं पर अगर बात करूँ बोट बे से 220 या फिर 225 के बारे में, तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको जो बेस मिलता है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है एंड साथ में मिड्स एंड हाइस भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है एंड इसमें आपको जो ट्रबल मिलता है वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है एंड वॉइस का सेपरेशन भी आपको काफी अच्छा मिलता है। सो ओवरऑल साउंड क्वालिटी में डेफिनेटली बोट बे से 225 ज्यादा बेटर है बोट बे से 242 से। तो अगर फाइनली बात करूं कि इन दोनों ईयरफोन में से कौन सा आपको खरीदना चाहिए, कौन सा है सबसे बेस्ट, तो अगर आप एक म्यूजिक लवर है, आप सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए कोई ईयरफोन ढूंढ रहे, आपको कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है, तो आप बोट पे से 225 या फिर 220 के साथ जा सकते हैं। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, अंडर 600 रुपीज में आपको साउंड क्वालिटी के हिसाब से इससे अच्छा कोई भी ईयरफोन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे ईयरफोन ढूंढ रहे जिसमें आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छा मिले, कॉल क्वालिटी भी अच्छा मिले, साथ में आप अगर जिम वगैरह में जाते हैं तो आपके कान से ये बार बार ना गिर जाए एंड कंफर्ट भी अच्छा मिले, तो उसके हिसाब से आप डेफिनेटली बोट बे से 242 को खरीद सकते हैं। इसमें आपको ये सारा चीज देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से बोट बे से 242 एक बहुत ही अच्छा ईयरफोन है। सिर्फ मुझे यहाँ पे एक ही दिक्कत लगा कि इसके ऊपर के साइड के जो वायर का क्वालिटी ये मुझे काफी पतला लगा, इसके अलावा मुझे कोई भी और प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया इसमें। और अगर आप एक ड्यूरेबल ईयरफोन चाहते हैं जिसको आप लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप बोट बे से 225 को खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका वायर का क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिलता है इसके मुकाबले एंड इसके साथ साथ आपको जो 3.5mm का जैक है वो आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है, साथ में आपको L-shape का कनेक्टर मिलता है जो कि काफी अच्छा बात है। सो उसके हिसाब से आप इस ईयरफोन को खरीद सकते हैं। सो सारा डिटेल्स मैंने क्लियर कर दिया, अभी आपको चूज करना है कि आप कौन सा ईयरफोन खरीदना चाहते हैं। आप ओवरऑल एक बढ़िया ईयरफोन चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और अगर आप साउंड के हिसाब से कोई ईयरफोन ढूंढ रहे तो आप इसको ले सकते हैं। लिंक सभी ईयरफोन का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। और इन दोनों ही ईयरफोन का डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जो भी ईयरफोन आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल में सेट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक सवालों का रिप्लाई जरूर करता हूं, तो आप सवाल पूछने से घबराइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।